ये सभी बच्चे अपनी ग्रामर की बुक निकाल लीजिए बेटा आज हम लेसन विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह विराम होता क्या है सभी बच्चों के पास पेंसिल होनी चाहिए बेटा पेंसिल और बुक ओपन करें लेसन नंबर ट्वेल्व विराम चिन्ह विराम चिन्ह किसे कहते हैं विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना जैसे बच्चों हम कोई भी कार्य करते हैं अगर हम चल रहे हैं तो सेम उसमें नहीं चलेंगे हमारे कदम हर जगह सेम नहीं होते यानी कि कभी हम धीरे चलते हैं कभी हम तेज चलते हैं कभी हम रुक जाते हैं कभी हम बैठ जाते हैं यानी कि हर समय कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है उसी प्रकार हम विराम चिन्ह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह विराम चिन्ह में क्या होता है जब हम अपने शब्दों को बोलते हैं हमारे शब्दों में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता है उतार चढ़ाव अच्छी तरह से कभी हम इ... अपने शब्दों को बोलते समय ऊंची आवाज में बात करते हैं कभी हम धीरे बोलते हैं कभी हम रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम हल्का सा विराम लेते रहते हैं उस विराम को जब हम लेते हैं तो जब हम कोई भी शब्द या वाक्य लिखते हैं तो लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं यानी कि क्या होगा जब हम क्या करते हैं बातचीत करते समय जैसे इसमें पाठ के अनुसार भी इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना यानी कि आराम लेना रुक जाना यानी कि कुछ आपके सामने यह पिक्चर भी दिखाई गई है एक छोटा सा सबसे पहले मैं अपना पाठ शुरू करने से पहले जब क्लास में होते हैं तो एक वाक्य देखिए चार शब्द मैं आपको बोल रही हूँ आपके सामने ये वाक्य दिए भी गए हैं विराम चिन्ह का हमारे जीवन में क्या महत्व है उस महत्व को बताने के लिए सिर्फ एक वाक्य शब्द सेम है एक जैसे शब्दों में जब हम विराम लगाते हैं तो उसका कितना अर्थ बदल जाता है सबसे पहले यह देखिए चार शब्द हैं। रोको मत जाने दो अब इसमें सबसे पहले क्या किया गया है रोको के बाद इसमें कोमा लगाया गया है यानी कि कौन सा इसे हम क्या कहेंगे सबसे पहले रोको के बाद जो हमने लगाया है अल्प विराम अल्प विराम यानी कि कोमा रोको मत जाने दो इस शब्द वाक्य को पढ़ें बेटा ध्यान से सुने रोको मत जाने दो और दूसरे इन्हीं चारों शब्दों के बीच में हमने क्या किया रोको मत जाने दो रोको मत के बाद हमने कोमा लगाया और उसके बाद जाने दो यानी कि देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग करने से शब्द वही हैं लेकिन उन शब्दों में परिवर्तन क्या आता है पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है जो वाक्य हमारे सामने है उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा और वो कैसे बदलेगा देखिए रोको मत जाने दो यानी कि इसमें पहले में क्या कहा गया है कि जो जा रहा है उसको वापस बुला लो रोको मत जाने दो और दूसरे वाक्य में क्या कहा गया है रोको मत जाने दो यानी कि इसमें जो भी आने वाला है उसको जाने के लिए कहा गया है कि उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है उसको जाने दो यानी कि आप सभी को यह समझ आ गया होगा कि विराम चिन्ह का जब हम अपने वाक्य लिखते हैं उन वाक्यों में विराम चिन्ह का कितना बड़ा महत्व होता है सबसे पहले देखिए बच्चों जैसे हम बातचीत करते हैं बातचीत करते समय बीच बीच में हम सांस लेते हैं कथन पर किसी कोई सेंटेंस ऐसा होता है कोई शब्द ऐसा होता है जिस पर हम पूरा बल देते हैं अपनी बात को या अपनी बात को समझाने के लिए थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है इसी को हम क्या कहेंगे, कहेंगे। यानी कि अब देखिए इसके मतलब इसकी परिभाषा क्या करेंगे हम विराम चिन्ह जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है अपनी बात को पूर्ण रूप से जब हम स्पष्ट करते हैं अपनी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए जब हम अपने वाक्यों को लिखते हैं उन वाक्यों में जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द आ रहे हैं उन वाक्यों में आपस में एक दूसरे के साथ एक पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का जो भाव लेकर लेकर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं विराम चिन्ह यानी कि भाषा के लिखित रूप में भाषा का जो हम लिखित रूप प्रयोग कर रहे हैं जो हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं इस पुस्तक में हमारे सामने भाषा का लिखित रूप ही है बच्चों इसमें हर जगह और कोई भी आप पाठ पढ़ते हो उसमें हर जगह लिखित रूप में क्या देखते हैं कहीं कोमा होता है कहीं पूर्ण विराम होता है कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह होता है यानी कि हम अपने बातों को ऐसे स्पष्ट करते रहते हैं अर्थ क्या हुआ अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं चिन्ह है बच्चों इनको चिन्ह कहा जाएगा जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं फिर से ध्यान से सुनिए अपनी भाषा को लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा को लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा ये वाक्य के अनुसार मैंने आपको क्या समझाना चाहा है यानी कि एक वाक्य में विराम चिन्ह कितना अधिक महत्व रखते हैं अगर हम गलत ढंग से इनका प्रयोग करें तो पूरा अर्थ बदल जाता है इसलिए हमें इनका ध्यान हमेशा रखना होता है इसके पश्चात इसमें दिया गया है यानी कि जो ये वाक्य आपके सामने दिए गए हैं रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो। दोनों का अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो गया विपरीत यानी कि एक में हम बुला रहे हैं दूसरे हम भेज रहे हैं यानी कि एक जगह वाक्य में बुलाने का भाव प्रकट हो रहा है और दूसरी जगह भेजने का भाव प्रकट हो रहा है यानी कि बिल्कुल ओपोजिट विपरीत वाक्य बन गया विपरीत अर्थ बन गया देखिए यह विराम का स्थान बदल देने से ही हुआ है यानी कि अगर शब्द का वाक्य का अगर अलग अर्थ हुआ है बिल्कुल विपरीत अर्थ हुआ है तो वो क्यों हुआ है कोमा का प्रयोग हमने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कर लिया पहले हमने रोको के बाद उसका प्रयोग किया दूसरे वाक्य में हमने रोको मत के बाद किया यानी कि सिर्फ एक कोमा कि इधर से उधर लगाने पर यानी कि हर अपनी जगह से हटाने पर तो उसमें वाक्य में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है उसका पूर्ण अर्थ बदल जाता है अब इसमें आपके सामने कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं हिंदी में कुछ प्रमुख वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं आपने इसमें कुछ चार पांच आपको अभी बताए गए हैं पूर्ण विराम सबसे पहले देखिए छोटी छोटी चीजें हम मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ ग्रामर में यानी कि व्याकरण में आप शुरू से सेम पाठ पढ़ते आ रहे हैं सेम पाठ पढ़ने का मतलब है वही हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण ये सब चीजें हम शुरू से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें हर समय किस बात का ध्यान देना है हर कक्षा में आप सभी को एक चीज पर हमेशा ध्यान रखना है हमेशा ध्यान देना है अगर इस कक्षा में मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ तो पिछली कक्षा से इस कक्षा में मैंने इसमें नया क्या सीखा है नया क्या देख रहा हूं बातें वही होंगी अगर आपने परिभाषाएं पिछली कक्षा में संज्ञा की परिभाषा जो की है इस कक्षा में आकर उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला बेटा बदलाव सिर्फ क्या है उसमें आप कुछ ना कुछ नया जोड़ते जा रहे हो जो एक्चुअल में यानी कि हमारी बुद्धि हमारी क्षमता हमारे जो हमारी एज है उसके अनुसार हमें जो चीजें सिखाई जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप यानी कि हर एक स्टेप को हमें पकड़ना है जो स्टेप हम सीख चुके हैं वो स्टेप एज इट इज है लेकिन नया हम उसमें क्या जोड़ने जा रहे हैं अब इसमें देखिए विराम चिन्ह में कुछ चिन्ह आपके सामने बताए गए हैं सबसे पहला इसमें बताया गया है पूर्ण विराम पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है बच्चों पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं पूर्ण विराम जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं और वाक्य हमारा पूर्ण कंप्लीट हो जाता है यानी कि पूर्ण अर्थ दे देता है जैसे मैं यह बोल रही हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं अध्यापिका पढ़ा रही है मैंने अपना पूरा वाक्य बोल दिया अध्यापिका पढ़ा रही है तो वाक्य क्या है बच्चे पढ़ रहे हैं यानी कि अपना वाक्य जब मैंने पूर्ण कर दिया तो उसमें क्या आएगा पूर्ण विराम यानी कि एक जैसे हम ये आपके सामने ये चिन्ह भी दिखाए गए हैं इंग्लिश में हम इसको फुल स्टॉप के उसमें प्रयोग करते हैं एक बिंदु लगा देते हैं इसमें हम एक पूरी पाई यानी कि एक डंडा बोलते हैं पाई इसको पाई कहा जाता बच्चों, खड़ी पाई होती है बच्चों जैसे स हो गया सड़क वाला स जब उसकी पाई यानी कि डंडे को हटा देते हैं तो वो आधा बन जाता है ऐसे ही पूर्ण विराम क्या है एक इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं इसमें हम एक सीधा एक खड़ी जो रेखा है उसको उसके ढंग से हम इसको अपने साइन को दिखाते हैं इसमें कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं आपको समझ आ गया होगा कि पूर्ण विराम का कब प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम हमेशा अपनी बात को जब हम पूर्ण कर देते हैं कंप्लीट कर देते हैं उस उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं इसमें कुछ वाक्य आपके सामने दिए गए हैं वाक्य में सबसे पहला है वह पढ़ता है वह पढ़ता है यानी कि बात कंप्लीट हो गई पूर्ण हो गई तो इसमें हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे जैसे अगला वाक्य इसमें दिया गया गया है, है। मैं पास हो गया हूं। तुम चले जाओ। रवि मैदान में खेल रहा है। आप अपने जहां पर भी आप घर पर बैठे हुए हो घर घर पर आप देख रहे हो कि माँ खाना बना रही है माँ अपने बच्चों के साथ बैठ कर अ, बच्चों के साथ बैठी हुई है यानी कि कोई भी आप अपने आसपास कोई आपका छोटा भाई बहन खेल रहा है यानी कि आप उसको देख सकते हो कि वह खेल रहा है कोई बातचीत कर रहा है यानी कि कोई भी बच्चों हम हमें हर चीज को अपने हर लेसन को अपने आसपास की चीजों से जोड़ना है सिर्फ किताब में जो दिया गया है हमें उसको नहीं पढ़ना जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ को हमें अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं के साथ उसको जोड़ देना दैनिक दिनचर्या जो होती है जैसे ही हम अपने पाठ को ऐसे जोड़ना शुरू करेंगे वैसे ही हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसमें हमें प्रॉब्लम कभी नहीं आनी है अगर हम अपने पाठ को अपने दैनिक दिनचर्या के साथ अपनी दिनचर्या से जोड़कर उसको पढ़ते पढ़ना सीखते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है पूर्ण विराम क्या होता है जब हम अपनी बात को पूर्ण कर देते हैं वाक्य कंप्लीट बोल देते हैं तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है इसके पश्चात नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं अल्प विराम अल्प विराम आपको सबसे पहले मैंने वाक्य बताया था रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो यानी कि ये वाक्य मैंने अल्प विराम के माध्यम से ही आपको समझाया था यानी कोमा लगाकर कोमा लगाकर हमने जब वाक्य को सीखा तो हमें खुद ही एहसास हो गया कि कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कोमा लगाने से यानी कि हमें क्या करना है हमें अपने जो भी हमें चिन्ह हमने सीखे हैं उन चिन्हों को कम से कम हमें समझ लेना है कि उनका प्रयोग हमें कब और कैसे करना है अगर हमें यह से प्रयोग करना आ गया तो हम अपनी बात को कहना सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से हम कोई भी कार्य निबंध पत्र कोई भी चीज हमारे सामने आती है जिसमें हमें सेंटेंस बना बना कर लिखना है तो वो चीजें बड़े आराम से हम कर पाएंगे नेक्स्ट आप इसके में आपके सामने दिया गया है अल्प विराम अल्प विराम का मतलब होता है देखो पूर्ण विराम यानी कि पूरा रुक जाना अपनी बात को कहकर अपनी बात को कहने के बाद पूर्ण रूप तो हम कहेंगे प्रसाद पश्चात इसमें आएगा अल्प विराम अल्प विराम का, मतलब का मतलब होता थोड़ा अल्प का मतलब क्या होता है थोड़ा सा और ठहराव देना उसको हम अल्प विराम कहेंगे देखिए आप कक्षा में मान लीजिए हम बच्चे बैठे हुए कक्षा में सामने आप बैठे हुए हो और उसमें बच्चों के मैं नाम ले रही हूं रमेश समीर मुस्कान और सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं रमेश यानी कि एक हल्का हल्का सा जो ठहराव देना जैसे इसमें वाक्य दिया गया है वह परिश्रमी ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है वह परिश्रमी ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है यानी कि इसमें जो हम हल्का हल्का ठहराव ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा रुकना इसमें अल्प विराम का यानी कि थोड़ा सा रुकना जहां पर होगा वहीं पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे इसके पश्चात देखिए इसमें अगला वाक्य दिया गया है महात्मा गांधी सत्य अहिंसा और ईमानदारी के पुजारी थे यानी कि हल्का हल्का ठहराव हम जहां देंगे वहीं पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे आपको अभी दो विराम मैंने दो विराम चिन्ह मैंने सिखा दिए सबसे पहले पूर्ण विराम पूर्ण विराम यानी कि पूरा ठहर जाना पूरा अपनी बात को कंप्लीट कर देना और दूसरा हमने सीखा अल्प विराम अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा ठहराव देना थोड़ा सा हल्का हल्का ठहराव जब हम देंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे उसमें अल्प का हम प्रयोग करेंगे इसके पश्चात आता है बच्चों अब देखिए एक आपना एक मात्रा एक मतलब एक तरह से साइन पूर्ण विराम का लगाइए पूर्ण विराम का हमने साइन किया उसमें हम जब हल्का सा रुके तो हमने कोमा का प्रयोग किया अब अर्ध का मतलब होता आधा विराम का मतलब ठहराव अब आधे का मतलब क्या है जैसे पूर्ण विराम में पूरा ठहराव अल्प में थोड़ा सा ठहराव और अर्ध में यानी कि जैसे आपके सामने पूर्ण विराम का साइन है उसको हाफ काट दो उसमें हाफ कट अगर हम लेंगे यानी कि आधा रुकना यानी कि अल्प से ज्यादा और पूर्ण से थोड़ा समझ आ रहा है सबको अल्प से अर्धविराम का प्रयोग कैसे करेंगे अल्प से ज्यादा करना और पूर्ण विराम जो है उससे थोड़ा यानि कि बीच में रहना बिल्कुल जब अल्प विराम का प्रयोग अल्प विराम और विराम का, का साइन क्या है ऊपर इसमें स्टॉप यानी कि एक स्टॉप क्यों शो किया गया आपने एक चीज देखी है स्टॉप के साथ कोमा को दिखाया जाता है क्यों दिखाया जाता है स्टॉप का मतलब होता है पूरा और कोमा का मतलब होता है थोड़ा यानी कि इस कोमा से ज्यादा है और यानी कि किससे है, कि है उससे थोड़ा ज्यादा और पूर्ण से थोड़ा कम पूर्ण से नीचे ही कोमा दिखाया गया ना बच्चों इस चीज का ध्यान रखना ऊपर ऊपर आपके फुल स्टॉप दिखाया गया नीचे कोमा यानी कि उसके बीच में जो आएगा बीच का जो बोलना हम लेंगे जो हम ठहराव लेंगे वो बीच के ठहराव को हम अर्ध कहेंगे, अर्ध यानी कि आपको चीज समझनी है उपवाक्य होते हैं देखिए उपवाक्य का मतलब होता है ना तो वो पूरे वाक्य हैं ना वो आधे हैं। हम बात अपनी पूर्ण करने के लिए संतेंस, छोटे छोटे सेंटेंस जोड़ जोड़कर अपनी बात जब करते हैं जैसे देखिए खूब खूब परिश्रम करो खूब परिश्रम करो परीक्षा सिर पर है यानी कि दोनों बातें जोड़कर हम कहते हैं अब भी जैसे आप इतने लंबे समय के बाद बच्चे जब स्कूल आए हैं कुछ क्लासेस जैसे सिक्स टू एथ बच्चे आए हैं तो उनको एक बात कही जा रही है एक बात हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास समय कम है इसलिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी है लेकिन सभी को एक चीज क्लियर है कि हमें पढ़ना है इतना जो एक बहुत बड़ा टाइम हम बिताकर आए हैं उसके बाद सभी को यह लग रहा है कि हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है अब मस्ती का टाइम हमारे पास नहीं है यानी कि दोनों बातें जोड़ दी गई हैं, खूब परिश्रम करो परीक्षा सिर पर है नेक्स्ट इसमें वाक्य दिया गया है कृतज्ञता मनुष्य का गुण है कृतज्ञता मनुष्य का गुण है और कृतन कृतज्ञता दोष है कृतज्ञता होता है एक तरह से किसी बात को मान लेना और जो एक किसी चीज के खिलाफ खड़े होना यानी कि दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं विपरीत हैं इसके बाद बच्चों अगला दिया गया है इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह अपने आप है कि किसी से जब हम प्रश्न करते हैं कोई नाम पूछ लिया आपका नाम क्या है आप कहाँ रहते हैं आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं जितने हमारे प्रश्न हैं उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये बहुत आसान है ध्यान देने की बात है बस जब भी हम कोई प्रश्न बनाए तो उसके हमें अंत में हमें क्या लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं इसमें भी यही दिया गया है वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जैसे तुम कब आए क्या वह आ जाएगा जैसे ही अपनी तरफ से हम वाक्य बनाएंगे हम इसमें नहीं देखेंगे अपनी तरफ से वाक्य तुम्हारा नाम क्या है कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तुम्हारे तुम्हारी माता क्या करती है यानी कि कुछ भी तुमने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं यानी कि कुछ भी हम जो प्रश्न बना रहे हैं सारे प्रश्न जब हम बनाएंगे तो अंत में जब जिस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे वह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा इसके बाद इसमें पांचवा दिया गया है प्रश्न विस्मय सूचक चिन्ह विस्मय होता हैरान, हैरानी का भाव विस्मय यानी कि एक पाई यानी कि ये डंडा लगाकर और नीचे बिंदी लगाना एक हैरानी का भाव इसमें कौन ये, ये लगेगा कहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हमेशा आश्चर्य घृणा हर्ष शोक यानी कि आश्चर्य एक हैरानी का भाव घृणा किसी चीज से घिन करना हर्ष होती है बच्चों खुशी और शोक होता है एक दुख का भाव कहीं पर भी जब ऐसी चीज हम देखते हैं एक हम खुशी में कहते हैं अरे अरे वाह कैसे मतलब जो भी हम बोलते हैं और कर जब हमें कोई दुख का समाचार सुनता है हम सुनते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं ओहो जो ये भाव हमारे मन से निकल रहे हैं इन भावों के लिए जब हम कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उस भाव के लिए जिस शब्द का हमने प्रयोग किया उसके आगे विस्मय सूचक चिन्ह हमेशा लगाया जाएगा जैसे देखिए विस्मय सूचक चिन्ह के कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं पिताजी आ गए हैं। हाय मार डाला वह अब आएगा मजा काश मैं पास हो जाता यानी कि ये सारी बातें जैसे जैसे हमारे भाव भाव के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया उस भाव को प्रकट करने के लिए जिस शब्द का हमने प्रयोग किया उस शब्द के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया विस्मय सूचक सूचक चिन्ह यानी कि अब देखिए नीचे भी एक हेडिंग ये नीचे पॉइंट दिया गया कि अन्य विराम चिन्हों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा देखिए हम जब एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे धीरे 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 में छोटा सा हाइफन आता है उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं बच्चों जोड़ने वाला ऊपर नीचे हमने शब्द ऐसे विलोम शब्द है जो ऊपर नीचे शब्द लगा दिया दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे शब्दों के बीच में हमेशा योजक चिन्ह आएगा जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं उनको कोष्ठक चिन्ह बोलते हैं ब्रैकेट्स का आपको पता है कोई शब्द मान लो कोई एक शब्द दे दिया हमने सूर्य बोल दिया और सूर्य का मीनिंग भी हमें बताना है तो ब्रैकेट में हम सूरज भी कर सकते हैं और जैसे कई बार हम आ, क्या करते हैं बच्चों जब हम अपने वाक्य लिखते हैं वाक्य लिखते टाइम हम क्या करते हैं बीच में मान लो कोई शब्द छूट गया तो बीच में हम एक साइन लगाते हैं उल्टा वाई जैसा वाई जैसा जो साइन लगाते हैं उसको क्या कहते हैं पूरक चिन्ह होता है वो त्रुटिपूरक त्रुटिपूर्क का मतलब होता है गलती को पूरा करने वाला उस साइन को लगाकर उसके ऊपर हम शब्द लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वाक्य वो शब्द हमारे उस वाक्य में जुड़ गया कि हमने यहाँ पर शब्द को जोड़ दिया काफी सारे ऐसे योजक ऐसे विराम चिन्ह है बच्चों जो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अभी हमारे सामने ये पांच दिए गए हैं अभी हमें उनको अच्छी तरह से लर्न करना है सबसे पहले हमने क्या किया था पूर्ण विराम पूर्ण विराम यानी कि अपने वाक्य में पूरा ठहराव देना पूरा रुक जाना नेक्स्ट हमने किया है अल्प विराम अल्प विराम यानी कि हल्का हल्का ठहराव देना थोड़ा सा ठहराव थर्ड हमने किया था अर्धविरा अर्धविम का मतलब होता है पूर्ण से थोड़ा और अल्प से ज्यादा यानी कि जो बीच का ठहराव होगा वो अर्धविरा यानी कि आधा ठहराव प्रश्न सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी से प्रश्न करते हैं उसके अंत में हम जो चिन्ह लगाया जाता वो चिन है वो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है इसके पश्चात है बच्चों विस्मय सूचक चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है विस्मय सूचक चिन्ह जहां पर हमारे मन से निकले भावों के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो भाव क्या हो सकते हैं वो आश्चर्य का भाव हो सकता है वो घृणा का यानी घिन का भाव हो सकता है खुशी का भाव हो सकता है दुख का भाव हो सकता है कोई भी भाव उस भाव के लिए जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द के आगे हम क्या करेंगे विस्मय सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे इसके पश्चात प्रत्येक पाठ के अंत में ये दिया जाता है बच्चों पाठ के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है जैसे आपने पढ़ा इसमें हमने पाठ में क्या 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 पढ़ा ये पढ़ा हमेशा करो सभी बच्चे इसमें क्या बताया गया है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह लगाया जाता है नेक्स्ट है भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिखित रूप में ही करते हैं मौखिक रूप में नहीं कर रहे लिखित रूप में हम जब करते हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं लेकिन मौखिक रूप में कैसे होता है अपनी बात को एक बहुत अच्छे ढंग से किसी के सामने व्यक्त करना उसमें हम किसी बात को बहुत किसी शब्द को बहुत ऊंचा ले जाते हैं किसी में बहुत धीमे बोलते हैं किसी में को थोड़ा सा ठहराव दे देते हैं तो उस ढंग से बोलना एक बात को इम्प्रेसिव बनाने के लिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम विराम अल्प विराम प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह जो हमारी इस कक्षा में इस पाठ में हमारे दिए गए हैं वो पांच हमें बताए गए हैं और इस पाठ को आप बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से आप आपको इस, आप इस पाठ की रीडिंग करनी है और इसके इसके जो दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे और इन बिटवीन भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है लेसन रीडिंग इसलिए आप बड़े ध्यान से करेंगे प्रश्न कुछ भी बन सकता है अल्प विराम किसे कहते हैं अर्ध विराम किसे कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह का कोई उदाहरण बताइए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इसमें अभी हम इसकी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रदीप सर प्लीज स्टूडेंट्स